अस्सलाम वालेकुम सेवन क्लास, कैसे हैं आप सब। आज के लेक्चर नंबर 6 में हमने एक्सरसाइज 1.4 इसके जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन रहते हैं उन सारों को करना है। आपने इन्हीं को होमवर्क करना है। होमवर्क कैसे है, नीट एंड क्लीन लिखा करें, लेक्चर एक्सरसाइज नेम डेट मेंशन करके लिखा करें। स्टार्ट करते हैं। ओ इंटरसेक्शन इंटू ई इंटरसेक्शन एन, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ओ के सारे एलिमेंट्स को लिख लें। इंटरसेक्शन का सिंबल डालें, स्मॉल ब्रैकेट, एन के ई के सारे एलिमेंट्स को लिखें इंटरसेक्शन एंड ब्रैकेट में एन के एलिमेंट्स। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन में क्या चीज़ लिखते हैं जो कि कॉमन होता है। कॉमन जब लेंगे तो कॉमन में क्या आएगा, 2, 4, 6, 8। देन इसका गेन से कॉमन लेंगे ओ के साथ, सॉरी इंटरसेक्शन लेंगे। जब इंटरसेक्शन लेंगे दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आएगी तो हमारे पास एम्प्टी ब्रैकेट्स आ जाएंगी। इसी तरह राइट हैंड साइड इज इक्वल टू इंटू ओ इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एन। तो आप सबसे पहले ओ के सारे जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं आप उनको लिखें, इंटरसेक्शन का सिंबल डालें, फिर ई ई के सारे एलिमेंट्स को लिखें, फिर इंटरसेक्शन डालें, फिर एन के लिखें। सबसे पहले आप इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें तो वो आपके पास एम्प्टी आएगा, क्योंकि ये हमारे पास ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, तो हमारे पास कोई भी इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा। फिर इसका इंटरसेक्शन ले आप दोबारा से नेचुरल नंबर्स के साथ तो ये भी एम्प्टी आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव होगी। इसी तरह अब इन्हीं एलिमेंट्स को यूज़ करना है, इन्हीं सेट को यूज़ करना है, और सेट को यूज़ करने के बाद आपने इनका यूनियन लेना है। यूनियन में क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड इन सारों को आपने इनका यूनियन लेना है। यूनियन में क्या करेंगे, पहले इन दोनों के सारे डिजिट्स को मिला के लिख देंगे, फिर इसका यूनियन लेंगे, फिर सारों को मिला के लिख देंगे, तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड में भी क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में सबसे पहले ओ यूनियन ई लिखेंगे, फिर उसका यूनियन एन लिखेंगे। तो इन सारों के सेट्स के एलिमेंट्स को लिखेंगे, फिर इन दोनों के एलिमेंट्स को मिला के लिख देंगे, इसका यूनियन अगेन लेंगे एन के साथ, 1, 2, 3 इनके साथ। तो जब इनका यूनियन लेंगे तो इन सारों को हमने मिला के लिख दिया, क्योंकि हम इनका यूनियन ले रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। इफ़ यू इज इक्वल टू ए बी सी अप टू जी, एस इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, टी इज इक्वल टू एक्स वाई जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एस का यूनियन ले फाई के साथ, फाई मीन्स के एम्प्टी ब्रैकेट्स, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, एस के। तो एक एस के एस सेट के सारे एलिमेंट्स को लिखें, उनका यूनियन ले एम्प्टी ब्रैकेट के साथ, तो इक्वल में भी एस के ही सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो इन दोनों का यूनियन लेंगे तो यूनियन क्या आएगा, दोनों का सेम आ जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह टी का इंटरसेक्शन लें यू के साथ और इक्वल आए वो टी के, तो ये टी के सारे एलिमेंट्स को का इंटरसेक्शन लेना है यू के सारे एलिमेंट लिखने के बाद। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन वही आएगा जो कॉमन होगा दोनों में, तो क्या आएगा, एक्स वाई जी इक्वल किसके है, एक्स वाई जी के। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। फिर एस का इंटरसेक्शन लेना है एस कम्प्लीमेंट के साथ, तो कम्प्लीमेंट क्या होता है कि वो एलिमेंट्स जो यू में तो हों लेकिन एस में ना हों, तो वो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये बी सी डी एफ जी एच आई एन जी एच जे के अप टू जेड। इसके बाद इन दोनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन किसके इक्वल आएगा, फाई के। तो सबसे पहले एस के सारे एलिमेंट्स को लिखें, इंटरसेक्शन ले एस कम्प्लीमेंट के साथ, तो इक्वल आए फाई के। फाई मीन्स ये हाली ब्रैकेट्स को कहते हैं, तो इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, सो आपका आंसर क्या आएगा, ये एम्प्टी ब्रैकेट्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गया।